अलग गई तो तब मैं और आदित विलियो में बहुत थाला बोन ब्लॉक कलेक्ट कर चुका हूँ, क्योंकि मैं अब पूला का पूला मौत केव बनाने वाला हूँ। तो तब से पहले हम गल्प होते हैं और फिर मिलते हैं। और तो भागते हुए मैं आ रहा हूँ, मैं लगभग आत पात हूँ इत पोलतल के। और मुझे पता है दोस्तों, अब देख सकते कि कितना धूल थे, मैं बाग बाग के यहाँ पे आया हूँ। अब मैं वापस अपने गल वाले एलिया पे जाता हूँ, मतलब अभी गल पूरा बिल्ड नहीं किया। अब प्लीज दोस्तों मुझे कमेंट में आइडिया दे दिए। अब देख सकते ही यही है मेला थलवाई वाल वर्ल्ड। ये मेला मैं पूरा फीतपुल मॉल पे खेल रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि बीच बीच में मेरी मम्मी आ जाती है और फोन तीन के तले देते हैं, तो उस समय मोप ना माल दे, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और ये मेला फेत और ये मेले थुगल के लफाम। अब वीलियो पे ध्यान देते, बातें बाद में कर लेंगे। और इतना थाला तब कुछ थामा ने, पहले इन थामानों को यहाँ पे लग देता हूँ। अब देख सकते कि मैं इतना थामान लेकर आया हूँ, इनको लगने के लिए दूसरा थेथ बनाना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और मैं बोन मील लेता हूँ और मौत वाला ब्लॉक ले लेता हूँ। और मेरे हाथ में मौत वाला ब्लॉक और बोन मील दोनों है। और अभी लात वाले एक काम करता हूँ, मैं अपना बेड को वहीं पे लगा देता हूँ। और मैंने वांडलिन तले दल लोग आए थलो उनको माल के दुबाला उठके दुबाला नहीं उठके बाद काम थुलू करते हैं। अल्दो तो यही पे थोना पला, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लात हो गया था, बुली थली के थे बहुत ज्यादा लात हो गया था। और मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन थी धगा को लैंडफॉर्म करने वाला हूँ। नॉल माल थे उत दही थे, उत दही थे मतलब मेला मतलब है मौत वाला केव दही थे। तो सबसे पहले मैं अपना काली वाला बकेट ले लेता हूँ, मुझे पता नहीं वो काली है या उसमें कुछ बला हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं। मैं अपना रेगुलर थेत्ते ले लेता हूँ और वो भी यहाँ पे लग देता हूँ, बाद में अकेल थॉल्ट कर दूंगा, थॉल्ट कर लूंगा। और लगता है मुझे कुछ बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, तो मैं यहाँ थे थीत नेदरलैक ले लेता हूँ, थाई दे काम आधा है। और मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन सी जगह को लैंडफॉर्म करने वाला हूँ, यही है वो दगा दो। तो ये आप वीलियो को थिप मत कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, मैं वहीते वहीते थिप भी देता रहूँगा। और मैं पहले यहाँ से आने वाले पानी को कलेक्ट कर लूँगा, लगता है ये पानी खत्म हो गया। चलो धोलते, अले 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 मौत हो जाता वल्ला मेला, पक्की आद मौत हो जाता। और अब देख सकते कि पानी कितना जल्दी थे नीचे आ गया। और मैं अपना काम थुलू करता हूँ, उठे पहले ये पानी भी थूक दाए, मैं इतका इतना ढाल कर रहा हूँ। और अमला पर तो सिर्फ एक ही मौत ब्लॉक है, मैं ये मौत ब्लॉक मुझे दब मिला तब मैं वो थीत कर रहा था। और अब देख सकते कि कितना ज्यादा थुंदल नदला आला है। ले कितना ज्यादा प्याला लग रहा है, आप देख सकते हैं ना दोस्तों। और ये क्यों नीचे थे नहीं लगता, वो इतका ऊपर काल पे थे इसीलिए, अद्धा हिता भी होता है। और इनसे थीत भी मिलते, ले यार अबा की वजह से दलवादा मुझे दलाला है। मैं कपड़ा को कपला को लगा के आता हूँ, ये लो लगा दिया अब, अले बोतल भी गिला दिया, चलो कोई बात नहीं। और अब मैं इसको पूला करता हूँ। अल दोस्तों अब टाइम लैप्स को देखिए और मजे लीजिए दोस्तों, प्लीज दोस्तों। इतने पहले मैं कह देता हूँ कि बीलियों को थोल के मत जाइए, और मैं गरीब आदमी मतलब गरीब बत्ता हूँ, प्लीज दोस्तों आप मुझे बहुत ही ज़्यादा थपोल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे खाना था ये दोस्तों इसीलिए। और दोस्तों अभी मैं टाइम लैप्स को मतलब स्पीड फास्ट पॉल वाले बीलियों को थ्रू करता हूँ, और आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा, आप देखते जाइए।
ऑल दोस्तों, आप देख सकते हो मैं 20 मिनट से गल चुका हूँ। ऑल ऐसा हो गया, ऑल मेरे पास ज़्यादा बोन मिल भी नहीं। ऑल मेरे फ़ोन का थोले बहुत ही ज़्यादा कम है। आप मुझे थपोल की दिया ऑल यूट्यूब पे आए हुए फैते थे, मैं थोले का बंदोबस्त धलूल करूँगा। ऑल मैं 20 मिनट के अंदर इसको इतना ज़्यादा लेंथ फॉर्म कर चुका हूँ। ऑल अगर मेरे फ़ोन में फुल थोले होता तो एक एक ब्लॉक को भी लगा लगा के किया होता। ऑल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों। ऑल अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कर दीजिए। मैं लाइक करने के लिए फॉल्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लाइक करना आपका इतना है। ऑल अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो आई विद योर फैमिली अलोंग एंड हैप्पी लाइफ। और कमेंट कर देना कि आई हैव वॉचड योर वीडियो टिल एंड। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगा दोस्तों अगर आप ऐसा किए तो। और दोस्तों अगर आपको मुझे सपोर्ट करना है तो प्लीज़ दोस्तों इसके लिए मेरे कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट कीजिए दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों कम्युनिटी पोस्ट को चेकआउट कितना बुरा लगता है क्योंकि कोई भी नहीं करता मेरे कम्युनिटी पोस्ट को, इसीलिए दोस्तों। धन्यवाद।